आज एक क्वेश्चन पूछा है किसी ने कि जब हमारी आत्मा अब जब मरते हैं तो जब हम दोबारा जन्म लेते हैं तो इन दो जन्मों के बीच में जो हमारी आत्मा है वो कहाँ रहती है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आपको बिलीफ है कि हमारे अंदर में आत्मा है और आपको ये भी बिलीफ है कि हमारा पुनर्जन्म होता है, बट वो करती क्या है, ये क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले कि ये जो हमारी बात है ना, हमारे दिमाग में जो आत्मा वर्ड है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इसको पहले समझिए कि फिलहाल जो एंटिटी हम हैं, जिसको हम एक्चुअली रोज़ सुबह से लेकर शाम तक महसूस करते हैं, वो आत्मा नहीं है। वो केवल आत्मा का ज़रा सा पार्ट हम एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत ज़रा सा। क्योंकि तो अगर उसको हम एक्सपीरियंस कर पाएँ जो सचमुच में आत्मा है, या जिसको ट्रू सेल्फ कहा जाता है, अगर हम उसको एक्सपीरियंस कर पाएँ तो उसका कोई जन्म और उसका कोई मरण नहीं होता। हमारा जन्म और मरण इसलिए होता है बिकॉज हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई ऐसी चीज़ से जो असल में आत्मा नहीं है और वही मरती है बार बार। तो वो क्या चीज़ है? ऑब्वियसली एक तो फिजिकल बॉडी है जिसको हम देखते हैं, इसके अंदर भी बीमारी हो सकती है, और दूसरा है इसके साथ जुड़ा हुआ माइंड, जिसको हम लोग जनों का बेसिक कोर्स में बोलते हैं मॉलिकुलर बॉडी। और इसी को जब हम जनों का एडवांस कोर्स में आएंगे तब समझ में आएगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक बॉडी भी होती है और सारा चक्र ध्यान और जो भी कुंडलिनी का चक्कर है वो सब उसमें है। तो जब हम किसी से प्लेनली ऐसे पूछते हैं ना कि हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, तो हम ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कि हम सब कुछ जानते हैं। क्योंकि अपने आप में अगर आप बहुत मुश्किल चीज़ को बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे तो जो आप आंसर पाएंगे वो गलत पाएंगे। मान लीजिए मैं, शीश मुझसे पूछता है, पापा मैं हमेशा फेल क्यों होता रहता हूँ एग्ज़ाम में? तो ये नहीं पूछ रहा है कि मैं फेल क्यों होता रहता हूँ, ये जानना चाहता है कि मैं और कैसे अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। सो हमारे जो क्वेश्चन हैं ना, वो जब तक और बारीक नहीं होंगे तब तक हम और सही आंसर पर नहीं जाएंगे। कॉमन लोग बोल देंगे मरने के बीच में, दो लाइफ के बीच में जो हमारी आत्मा है वहाँ जाती है, ये करती है और हमको ईश्वर का दर्शन होता है, हमारे गुरु मिलते हैं, इस तरह की कॉमन एक्सप्लेनेशंस हैं। लेकिन अगर वो सब हो रहा है, मान लीजिए मेरे मरने के बाद मैं भगवान से मिल रहा हूँ, तो फिर अभी क्या करूँ उसके बारे में? और तब तो सबको ही मिलना है, सबके सब जाएंगे, जैसे रेलवे स्टेशन पे टिकट खरीदेंगे, ट्रेन में बैठ जाएंगे, चले जाएंगे। फिलहाल इस समय मैं क्या करूँ, क्वेश्चन ये है। तो हम लोग क्या हैं, पहले तो ये समझना होगा कि हम लोग फिजिकल बॉडी हैं, हमारे अंदर में कुछ थॉट्स हैं और हमारे अंदर में एक आत्मन है, या जिसको ट्रू सेल्फ कहा जाता है वो है। लेकिन ये जो थॉट्स और ये जो बॉडी है ये पूरी तरह से हेल्दी नहीं है। पूरी तरह से हेल्दी बॉडी कौन सी होती है? जो अपने आप को 2400 घंटे हील कर सकती हो। जब आप उंगलियां, जैसे उंगलियां उड़ाते हैं, ऐसे ही आप अपने बॉडी में जहाँ कहीं पर भी बीमारी हो उसको आप हील कर सकें। ये प्रॉपर बेस्ट जो परफेक्ट बॉडी होती है वो होता है। और इसके साथ साथ जो परफेक्ट माइंड होता है वो कैसा होता है? वो हर चीज़ को जब देखता है तो एकदम एग्जैक्टली जो सही सही चीज़ है उसको समझता है। फिलहाल ऐसा नहीं है। जब हमको सही सही चीज़ दिखाई देगी तो हम कोई भी ऐसी चीज़ के साथ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जो मरने वाली है या जो दुख देने वाली है। लेकिन हम रोज़ करते हैं, हम रोज़ ऐसी चीज़ों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं जो अल्टीमेटली हमको दुख देती है या बीमार करती है। हम ऐसे खाना खाते हैं, ऐसी चीज़ों की हमको एडिक्शन हो जाती है, सिगरेट की, शराब की और ढेर सारी चीज़ों की। तो क्यों होती है? बिकॉज़ फ़िलहाल हमारी जो स्टेट है, नॉर्मल स्टेट है, वो बीमार है। जो फिज़िकल बॉडी है बीमार, मतलब उसकी कैपेसिटी बहुत कम है। जब तक हम इस बॉडी को नहीं समझेंगे कि ये कहाँ कहाँ से परेशान है, कहाँ कहाँ से इसके अंदर में कमियाँ हैं, तब तक हम अपने दो बर्थ के बीच की जो स्पेस है उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जिसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा है, वो पूछ रहे थे कि क्या विष्णु और ब्रह्मा और शंकर आते हैं क्या दो जन्मों के बीच में, या कोई ऐसा भगवान आता है आपको मिलने के लिए, हेल्प करने के लिए जब आप मर जाते हैं और दूसरी दुनिया में जाते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है ना, ये ऐसे ही हैं जैसे हम लोग एडवांस मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, इंटीग्रेशन परम्यूटेशन सीखना चाहते हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि बताइए हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए कितनी कौड़ियाँ इकट्ठी करें। आप कौड़ी समझते हैं? कौड़ियाँ होती हैं गणित सीखने के लिए। बच्चों को जब आप बताते हैं कि प्लस माइनस कैसे किया जाता है तो आप उनको पत्थर इकट्ठे करके देते हैं, बोलते हैं ये दो पत्थर, ये दो पत्थर, ये जोड़ करके चार पत्थर। लेकिन एक पॉइंट के बियॉन्ड आपको बच्चे को समझाना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन क्या है, स्क्वायर रूट क्या है,
बहुत स्पेशलाइज नॉलेज है ये, लेकिन हमारे दिमाग में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये लोग, इनका जो आइडिया है वो क्या है? क्यों हम ब्रह्मा जी को ही चाहते हैं? क्यों हम उनको नहीं चाहते, मोहम्मद को क्यों नहीं बुलाना चाहते, या मैं नानक को बुला लूँ? और भगवानों में भी विष्णु को ही बुलाना चाहते हैं, शंकर को ही बुलाना चाहते हैं, क्यों? इनकी मार्केटिंग बहुत हो रखी है, और इनका जो इमेज है, जो आइडिया है हमारे दिमाग में, जैसे बचपन में जब मैं था ना, तो हीरोज़ को डिवाइड करता था, मैं और मेरे भाई लोग सब लड़ाई करते थे कि कौन हीरो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। उस जमाने में राजेश खन्ना हुआ करते थे, अमिताभ बच्चन हुआ करते थे, तो हम लोग मानते थे कि बाकी सब हीरोज ऐसे ही हैं, मेन हीरो तो ये है, एक अकेले 10 को मार सकता था। ऐसे ही हमारे मन में इन भगवानों के बारे में भी है कि ये सुपर मैन है, ये बहुत ताकतवर है, तो जब मरने के बाद हमको विष्णु मिलेंगे या शंकर मिलेंगे, बस हमारा काम तो हो गया। जैसे ही आपने एक अपने से ज़्यादा ताकतवर एंटिटी के बारे में इमेजिन करना शुरू कर दिया, तो आप भूल जाएंगे कि आपको क्या करना है। ये एंटिटीज़ जिनको ब्रह्मा या विष्णु या शंकर कहते हैं, ये एंटिटीज़ वो नहीं है जिनके बारे में हम कल्पना करते हैं, ये वो है जिसको आप देखते हैं रोज़। सूरज को देखिए या नदी को देखिए, इसलिए मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ फोर्सेस का, नेचर की फोर्सेस है, और नेचर की फोर्सेस को आप अपनी बेवकूफ़ी से नहीं अप्रोच कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अरे हम तो दीनहीन हैं, हमको तो कुछ नहीं आता जाता है। तो ये आइडिया आते कहाँ से हैं? जहाँ कहीं पर भी पंडित पुरोहित या कोई भी रिचुअलिस्टिक लोग हैं जो आपको बिलीव कराते हैं कि कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी पूजा करा देंगे, तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। डेथ के बाद अगर हमारी सेल्फ या हमारा माइंड को डेवलप होने के लिए कुछ भी एक्टिविटी, लोग कहते हैं मरने के बाद हमारी इस पूरी लाइफ की रिव्यू होती है, उसके पीछे क्या तर्क है, और क्या सचमुच में ये भगवान लोग हेल्प कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? हेल्प मुझे लगता नहीं कि बहुत कर पाते हैं, कोई भी भगवान मरने के बाद हेल्प नहीं कर पाता है। एक डेड बॉडी को अगर आप मरने के बाद नदी में डाल दीजिए, तो बहती जाती है, जहाँ नदी जा रही है वहाँ बहती है, और अल्टीमेटली वो समुद्र में चली जाती है, उसको मछलियाँ खा जाती हैं, कुछ अगर अधकचरी जली हुई बॉडी होती है तो। ज़मीन में अगर गाड़ते हैं तो उसको नीचे ज़मीन में कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, इसकी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ठीक ऐसे ही हमारा जो माइंड है, मरने के बाद हमारी जो सेल्फ है, ट्रू सेल्फ है, वो तो एक अलग प्लेन में जाती है जहाँ पर सेल्फ एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि वो मरता नहीं कभी। लेकिन जो हमारा मॉलिकुलर बॉडी है, जिसको लोग कहते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, वो बंच ऑफ मेमोरीज है, और मेमोरीज भी ऐसा जिसमें कि कुछ मेमोरीज ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसमें हमारे ज़्यादा इमोशंस रहे हैं, ज़्यादा एक्शंस रहे हैं। ऐसी माइंड को अगर आप मरने के बाद सोचते हैं कि क्या होगा, वही होगा जो डेड बॉडी के साथ होता है, बस बहते बहते कहीं चली जाएगी। अब इसको पता है बहुत से लोग फैंसी वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग मरते हैं ना, तो ऊपर जाने के बाद हमारा एक हिसाब किताब होता है, ये तुमने पूरी ज़िंदगी में क्या किया है, क्लास चलती है वहाँ पर आपको बताया जाता है कि तुमने ये सही किया था, वो गलत किया था, वगैरह वगैरह वगैरह, और फिर हम लोग अपने लिए बड़े खुश होते हैं कि देखा मरने के बाद हम भगवान से मिलते हैं। जो आदमी जीते जी अपनी सेंसिटिविटी के ज़रिए अपने सेल्फ को नहीं समझ पाता, वो मरने के बाद नहीं समझ पाएगा। ये ऐसे ही है जैसे कि हमको तैरना नहीं आता तो हम पानी के साथ स्विम नहीं कर सकते। खैर, डेड बॉडी का एग्जांपल यहाँ फिट नहीं होता, बिकॉज डेड बॉडी तो मरने के बाद बहती बहती है, बट डेड बॉडी इज़ अ डेड बॉडी। यू हैव टू, अगर आप चाहते हैं कि मरने और दूसरी बार पैदा होने के बीच के टाइम को आप समझ सकें कि कहाँ जाती है हमारी स्पिरिट या हमारा जो मॉलिकुलर बॉडी है और क्या करती है, तो आप केवल एक्सप्लेनेशंस पे भरोसा मत करिए। एक्सप्लेनेशंस आपको केवल अच्छा फील कराएंगी और आपको पैसिव करा देंगी, आराम करा देंगी। मैं देखता हूँ इतने ज़्यादा लोग जो जाते हैं ना, यहाँ पर वहाँ जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, हिंदू जाते हैं चारों धाम जाते हैं, सिखों का भी अपना ढेर सारा धाम है, तो ये क्या है? ये हमारा एक स्ट्रांग फर्म बिलीफ है कि हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जो कुछ भी करना हो करें, और बस वो चार बटन दबा दें हम, तुम्हारा काम हो गया। कोई भी गॉड मरने के बाद आपको हेल्प नहीं कर सकता, केवल एक चीज़ हेल्प कर सकती है, अगर आप उसको समझ जाएं तो आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको समझने में, बिकॉज मुझे खुद काफ़ी टाइम लग गया था इस चीज़ को, इसको समझने के लिए एक सेंसिटिविटी चाहिए होती थी। बचपन से मैंने इसको सुना था, लेकिन स्कूल्स का बड़ा मेरे दिमाग में असर है,
शीश मुझसे पूछ रहा था, पापा आपको पूजा पाठ में क्यों इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उससे कुछ बोलता उससे पहले शीश आंसर नहीं दे दिए, मुझे लगता है मम्मी जी ने आपकी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करा दी इसलिए आपको पूजा पाठ से एलर्जी हो गई है। मैंने कहा हो सकता है भैया तू सही कह रहा है। ऐसे ही स्कूल्स ने हमको इतना ज़्यादा पढ़ा दिया है ना, इतना ज़्यादा पढ़ा दिया है कि पढ़ाई से हम लोगों को हो गई एलर्जी। अब हम जिंदगी में सब कुछ करना चाहते हैं बस पढ़ना नहीं चाहते। आज मैं एक भाई साहब के घर पे गया था तो उनको बातचीत कर रहा था, तो वहाँ आंटी बैठी थी, तो मैं उनको बता रहा था कि मेरा किताबों का शौक़ है, तो हम लोग रोज़ एक दो किताबें खरीदते रहते हैं। तो आंटी बोलती खरीदते तो हो पढ़ते भी हो, तो ये चीज़ उनको पता है कि लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि पढ़ाई मतलब वो गंदे गंदे काला अक्षर और उसके बाद अगला दिन एग्ज़ाम, और यही कॉन्सेप्ट हम लोग मरने के बाद भी लाते हैं कि मरोगे तो यहाँ पर क्या पढ़ा है, वहाँ जाकर टेस्ट होता है, एक रिव्यू होती है, तुम्हें मार्क्स मिलता है, तुम्हें पास या फेल किया जाता है, तुम पापी हो तो पापी दुनिया में भेजे जाओगे, पुण्य आत्मा, ये सारा का सारा चीज़ आपके दिमाग में जैसे जैसे आइडियाज़ फिक्स होते जाएंगे वैसे वैसे आप और फंसते जाएंगे। फंसने का मतलब आप कन्फ्यूज होते जाएंगे, और जब आप कन्फ्यूज होते हैं ना तो किस चीज़ में फंसते हैं पता है, थॉट्स के कांटों में। जो हमारी फ़िलहाल की पर्सनैलिटी है वो थॉट्स के कांटे हैं, कांटा मतलब हम फंसे हैं कुछ थॉट्स में, कुछ थॉट्स हमारे लिए सही हैं। अब दुनिया में बुराई है तो बुराई है, अगर मेरा ये थॉट मैं इसको स्ट्रांग बिलीव करता हूँ तो मुझे बुराई दिखेगी और मुझे बुराई के साथ झेलना पड़ेगा, मैं भी झेलूंगा और अपने परिवार को भी झेलाऊंगा। तो जब तक हम इस थॉट्स के कांटों से अपने आप को फ्री नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो कैसे फ्री करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसको एहसास करने में, लेकिन आज नहीं तो कल आपको ये जानना होगा कि ये जो धरती है ये भोग भूमि नहीं है, मतलब यहाँ पर केवल एंजॉय करने के लिए नहीं आए हैं। हम जिंदगी में सीख नहीं पाते तो हम क्या करते हैं, सीखा सिखाया बांध कर रख देते हैं और एंजॉय करते हैं, गए गोवा चले गए, शराब पी लिया, मौज मस्ती कर ली, फन मजा मस्ती, जो लोग पढ़े लिखे अमीर लोग हैं वो अपना मजा मस्ती भजन कीर्तन के जरिए कर लेते हैं, पार्टी शार्टी कर लेते हैं शादी वादी में, अभी रिसेंटली एक पार्टी हुई थी उसमें खूब डांस किया था लोगों ने। तो एक पार्ट रहता है जिसमें कि वो लोग खूब मेहनत करके अपने आप को टॉर्चर करके कमाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और एक पार्ट होता है इसमें मज़े करते हैं। बट ये जो दुनिया है यहाँ पर आपको एंजॉय करते करते, बट बेसिकली यू हैव टू लर्न नॉट बुकिश थिंग्स बट रियलिटी अबाउट द वर्ल्ड। तो जब आपको ये पता चलता है कि दुनिया जो है ये एक्चुअली भोग भूमि नहीं है, ज्ञान भूमि है, और यहाँ पर केवल और केवल सीखने और सिखाने के लिए ज़िंदगी ने हमको यहाँ पर भेजा है, तो आप हर जगह पर अपनी अवेयरनेस को यूज़ करते हो जानने के लिए समझने के लिए। अभी एक बच्ची है उसका एक एग्ज़ाम हुआ और वो फेल हो गई, तो मैंने उसको बच्ची को बताया कि तुम जब एग्ज़ाम में फेल हुई, इंटरव्यू था उसका जॉब के लिए, तो मैंने पूछा कि किसका सिलेक्शन हुआ, उससे थोड़ा मिलो जा करके, उसको पूछो किस तरह के सवाल पूछे गए, क्योंकि जो कंपनीज तुम्हें हायर करना चाहती हैं वो क्या खोज रही हैं तुम्हें पता चलेगा उस बच्ची से जब तुम पूछोगी, या वैसे भी स्टडी करो, जानने की कोशिश करो क्या हुआ इस चक्कर में, दुखी थी वो। तो उसको मैंने क्या बोला क्या कि यूज़ योर माइंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। जब आप भोग के बारे में सोचते हैं तो आप खुश होते हैं या दुखी होते हैं, आपकी मर्ज़ी की चीज़ होगी तो खुश होंगे, नहीं होगी तो दुखी होंगे। लेकिन जब आप ज्ञान के बारे में सोचते हैं तब आपके लिए हर एक्सपीरियंस, चाहे छोटा एक्सपीरियंस हो, चाहे बड़ा एक्सपीरियंस हो, चाहे अच्छा एक्सपीरियंस हो, चाहे खराब एक्सपीरियंस हो, इट विल गिव यू समथिंग टू लर्न, एंड दैट लर्निंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन द एक्सपीरियंस। बिकॉज मरने के बाद क्या होगा, सारे फिजिकल बॉडी के एक्सपीरियंसेस खत्म हो जाएंगे, सारे जो थॉट्स हैं वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद जो कम्युनिकेशन हमारा होगा हायर बींग्स के साथ, जिसको आप बोल रहे हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, वहाँ से लर्निंग आप ले नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ज़िंदगी पर केवल एक्साइटमेंट लिया है यहाँ पर। तो अगर आप दो लाइफ के बीच की जो स्टेट है उसको यूज़ करना चाहते हैं तो यू हैव टू स्टार्ट सीइंग हियर एंड नाउ, अभी से फ़िलहाल से स्टार्ट आस्किंग कि थॉट्स क्या है, थॉट्स में वॉयलेंस कहाँ है। हमको कोई और नहीं बता पाएगा थॉट्स में वॉयलेंस क्या होता है। अगर आप मेरे सामने बैठी हैं और मैं आपके बारे में ज़रा सा कोई वॉयलेंट थॉट क्रिएट करता हूँ, उसका सचमुच में असर है, कोई कार्मिक असर है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? यू हैव टू डेवलप योर सेंसिटिविटी, तभी आप सचमुच में जान पाएंगे कि इस दो दुनिया के बीच का जो टाइम है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो सबकी गति हो रही है वो आपकी भी गति हो रही है। इसमें आप भले खुश होना हो खुश हो लीजिए कि हम लोग स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, भगवान से मिलते हैं, ये होता है वो होता है। जो चीज़ आज नहीं समझ रहे हैं उमरने के बाद क्या ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपको समझा देंगे, इतने समझदार हैं, और वो इतने समझदार हैं कि अभी नहीं समझा पा रहे, बाद में समझाएंगे आपको। आपको क्या लगता है बताइए? अपनी समझ को बढ़ाने के लिए लिमिटलेस प्रोग्राम 20th अक्टूबर को आ रहा है, उसको ज़रूर अटेंड करिएगा।
जरूर बेसिक कोर्स में आपको बेसिक स्पिरिचुअलिटी की चीज़ समझ में आ जाएंगी, और एडवांस तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जहाँ कहीं पर भी हम लोग स्पिरिचुअलिटी की जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो सब बस किंडरगार्टन की चीज़ें, बच्चे की चीज़ें हैं। और बिज़नेस को अगर चालू करना है तो उसके पहले WBX के ज़रिए आपको स्ट्रैटेजी समझनी होगी, और BDM आपको हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के जो डिसीजन मेकिंग है उसको ठीक करने के लिए। आप ज़रूर ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। अरे, इंस्टाग्राम दो हमारे पेजेस हैं, एक है DK.Zen और दूसरा है deepknowledge.in।